इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉर्न के जो और दाना है उसको कैसे मल्टीपल कलर करेंगे इसके बारे में। तो मेरे पास कुछ इमेज है, जैसे कि रेफरेंस के लिए मैंने रखा है यहाँ पे ये इमेज। सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसका जो लेयर का जो लॉक है उसको हटा दिया। हटाने के बाद मेरे को जो डॉक्यूमेंट का साइज है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करना है। सिंपली क्रॉप टूल सिलेक्ट करके मैंने इसका जो डॉक्यूमेंट साइज भी अप्लाई कर दिया। करने के बाद साइड से मैंने ये बॉक्स को ड्रैग किया, फिर एंटर। एंटर करने के बाद क्या है, ये इसे थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करना करती हूँ। जैसे एक सरफेस के ऊपर ये पड़ा है ऐसा लगेगा। एंटर। फिर इसका जो व्हाइट का बैकग्राउंड है उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैजिक सिलेक्शन टूल लेके मैंने मैजिक वंडर टूल्स लेके सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर तो ये व्हाइट का जो सिलेक्शन है वो हट गया। फिर मेरे को एक बैकग्राउंड के लिए एक लेयर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया और इसको कॉर्न के जो नीचे के लेयर पे ले लिया। लेने के बाद कंट्रोल डिलीट, मतलब जो यहाँ का जो फॉरग्राउंड कलर है वो फिल हो गया। इसका जो ड्रॉप शेडो है हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने और एक न्यू लेयर ले लिया। फिर ब्रश टूल लेके इसका ऑपेसिटी 10 कर दिया मैंने। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा पॉइंट कर देता हूँ। कॉर्न का ऊपर भी थोड़ा सा, जैसे कि ये जो टच पॉइंट है उससे ऊपर थोड़ा सा शेडो पकाना है, इसके ऊपर भी और एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर लेके कंट्रोल पकड़ के ये जो कॉर्न का लेयर है उसको मैंने यहाँ पे जो थंब है उसको कंट्रोल पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके ये पूरा सिलेक्शन आ जाता है। फिर मैंने जो शेडो का लेयर लिया उसके ऊपर सिलेक्ट करके ब्रश लाने है, मतलब ये सिलेक्शन के अंदर ही ये अप्लाई होगा। जो डार्क का मैं ब्रश चला रहा हूँ। ये जो कॉर्न है उसका जो एजेस है बहुत शार्प है, उसको थोड़ा सा ब्लर टूल अप्लाई करके
मैंने सिलेक्ट करे कंटूर पकड़ के, फिर तो थोड़ा सा दे देते हैं, नहीं तो उसको मैंने डिलीट किया। ये ब्लर होने के बाद जैसे कंट्रोल पकड़ के थंबनेल पे लेफ्ट क्लिक किया था, सिलेक्शन आ जाता है, फिर न्यू लेयर। मैंने ये सिलेक्शन के अंदर ही ब्रश चलाया, जो व्हाइट कलर है मैं उसके तौर पर ग्लॉस ब्लैक कलर से क्लीन कर रहा हूँ नॉर्मली। करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो शैडो का ऊपर का शैडो है उसको मैंने कंट्रोल पकड़ के दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस किया, मतलब मर्ज कर दिया। करने के बाद यहाँ पे कुछ वाटर मार के उसको हटा देते हैं स्टाम्प टूल लेके, और पकड़ के सैंपल करना है फिर। अभी इसके जो दाना है उसको ना थोड़ा सा एक सेपरेट सेपरेट कलर देना है। कैसे देंगे इसको, यहाँ पे मैंने क्लिक करके ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक किया, ये कलर ले लिया मैंने। फिर उसका को ऑफ करके और एक सेपरेट ब्लू सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि सेपरेट कलर होगा। फिर दूसरा लेना है, फिर और एक ले लेते हैं, ग्रीन कलर का। फिर और एक ले लेते हैं, फिर क्या करना है, जो हमने पहले जो ह्यू सैचुरेशन लिए थे उसको ऑन करना है। ऑन करके जो मास्क का जो एरिया है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई मतलब इनवर्ट कर दिया हमने, मतलब कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। इन्वर्ट हो गया, होने के बाद हमको एक एक दाना सिलेक्ट करके उस पर ब्रश चलाना है, ब्रश टूल सिलेक्ट करके
अपोसिटिव को 100 करना है, एक रेंडमली एक कलर को रेंडमली एक रानिया पे चलाएंगे, जैसे कि ये लाइन पे एक कॉन पे मैंने सिलेक्ट किया, और फिर कुछ तीन चार पांच कलर है, तो एक दो तीन चार छोड़ के फिर से डालने पे करेंगे, तीन चार पांच ऐसा नहीं कि जैसे कि हम पांच ही छोड़ेंगे, रैंडमली से इसको कलर कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा रेंडमली एक कलर फिल कर दिया, फिर जो दूसरा कलर है उसके ऊपर जो कलर है उसको भी हम कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करके मास्क को सिलेक्ट करके फिर से वैसे ही प्लेस प्ले करें। तो मैंने ये कलर को भी कुछ ऐसे रैंडमली चला लिया, फिर चलाएंगे हमारा जो तीसरा कलर है, कंट्रोल आई प्रेस करके हम कलर को इन्वर्ट कर सकते हैं, मास्क को इन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे जो तीसरा कलर था सिलेक्ट किए थे, मतलब पांचवा, उसको सिलेक्ट करके प्ले करेंगे। सबका जो अपोजिट है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे,
तो ये हो गया हमारा एक कॉर्न का जो दाना है, मल्टीपल कलर पे कैसे इफेक्ट पकाना था। तो आज के वीडियो में बस इतना सा था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।